ये जो 1000 ढोल का मसाला है इसमें हम 1200 बना सकते हैं, जरा जरा से हम कम डालें 1200 बना सकते हैं, और ये सारे जो महंगाई 3-4 दिन के लिए महंगाई ये हम कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात चाहता हूँ कि खुदा से देख रहा है, और जब मैं कब्र में जाऊँगा जब मट्टी के नीचे नजर में कुछ बेबक हो जाऊँ जब मुझे पूछा जाएगा, ये बात मैं आप हर वक्त अपने जहन में रखता हूँ कि मुझे खुदा देख। जैसे कि गाइस आजकल रमज़ान और रमज़ान के हवालों से इतना रश रहता है, तो यहाँ पर कहीं बहुत ज़्यादा रश था सुबह भी और रात में भी, तो मैंने यहाँ का विज़िट किया है। हम आए हैं आज टेस्टी निम्को जो 1970 से है, और ये बहुत ज़बरदस्त शॉप है, और यहाँ की वैरायटी और खाने बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ख़ासतौर पर फ्रोज़न आइटम्स जिसमें रोल, समोसे, वॉन्टॉन, चिमीचांगा, ये सब आइटम इनके बहुत ज़बरदस्त हैं और टेस्ट में लाजवाब हैं। क्योंकि मैं घर ले जा चुकी हूँ तो मैं आज आपको यहाँ का विज़िट कराती हूँ, तो हम आज यहाँ का विज़िट करते हैं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ख़ास तौर पर मैं इनके मसालों के बारे में पूछूंगी कि क्या बात है और क्या वजह है जो आपकी शॉप पे इतना रश रहता है, तो हम इन सब का इंटरव्यू भी लेंगे और आज इनके मसालों के बारे में भी पूछेंगे और रेट्स भी जानेंगे हर एक एक फ्रोज़न आइटम का। तो साथ रहिएगा, वीडियो को इंजॉय करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं हूं रिमशा सलमान, लेट्स गो। आज बात जो है ना सबसे मेन चीज़ है ईमानदारी जी, और जब इंसान ईमानदारी से काम करता है, और मैं मतलब एक सर पे थाल रख के समोसे बेचता था, मेरी 14 साल की उम्र थी जी, और मेरे वालिद बना के देते थे, उनके साथ काम करता हूँ, ठीक है ना। अब हुआ ये कि मैंने ये जो चीज़ें अपने वालिद से सीखी और उसमें ये जो क्वालिटी थी वो खुद वो कूटते थे मसालों को, उस वक्त मशीन नहीं थी, फिर वो चखते थे, फिर माल मिला के चखते थे, वो सारी चीज़ें मेरे जहन में थी, और उसी तरह मैं काम करता गया और मैं मसाले भी चेक करके लाता हूँ कि वो भी सबसे मैंने तो बस एक नाप तोल है और एक अच्छी चीज़ें डाले, मतलब जितना गुड़ डाले इतना मीठा होगा। एक दफ़ा मुझे एक डबल रोटी मुझे बासी मिल गई थी, तो सुबह सुबह नाश्ते में मुझे बहुत गुस्सा आया इस बात पर, बड़ी अजीब सी बात हुई, तो वो बात मैंने फील की कि अगर कोई रोज़ा खोलता है और मेरे लिए ज़रा सा भी कोई मसला कुछ भी ऐसी अल्फाज निकाल देंगे इनका माल सही नहीं, तो मैं नहीं चाहता कि भले मेरी जितने भी आज महंगाई है काम माल सामान महंगा है, लेकिन मैं अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मसाले वाले भी मुझसे बड़े घबराते हैं, मैं उनसे जाता हूँ चीज़ें चेक करके लेता हूँ, बरसों से ले रहा हूँ लेकिन मैं चेक करके लेता हूँ, खुद पीसता हूँ, बनाता हूँ। गोभी जो है महंगी हो गई, मुर्गी महंगी हो गई, लेकिन आप मेरी लेबर से मुझे मैं कभी वहाँ जाके ये नहीं कहता हूँ कि यार मुर्गी महंगी है कम डालो, तो ये सारी बातों से अल्लाह पाक देख रहा होता है। बड़ी गरीबी देखी, बहुत ही मतलब ऐसे दिन देखे, लेकिन अल्लाह पाक ने दिन पे अपना घर है गाड़ी है, सिर्फ ईमानदारी, अल्लाह पाक मुझे अच्छा दे रहा है, मेरा दिल खुश हो तो क्या मैं लगा दूँ पैसे। काफ़ी बड़ी वैरायटी है इनके पास, रोल समोसे से लेके हर तरह की चीज़ें, रोल समोसे की पट्टियाँ भी हैं, निमकोस भी होते हैं इनके पास, हर तरह की वैरायटीज़ हैं, फ्रोज़न अनफ्रोज़न बहुत चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं ये लोग। तो आज हम इनको डिटेल में चेक करते हैं। फ्रेंच फ्राइज हाफ के जी का पैकेट है जी, हाफ के जी का पैकेट है, और ये है 150 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी आइटम हमारी बहुत मशहूर है चिकन डोना, ये बच्चे बड़े बहुत लोग शौक से खाते हैं, ये प्योर चिकन के बने का होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है हमारे पास दाल के समोसे, मूंग की दाल के समोसा है प्योर, जो दाल के शौकीन है वो उनके लिए, ठीक है। इसकी प्राइस? अच्छा मैम, दाल के समोसे 150 के हैं और डोनट जो हैं वो 300 के हैं, ठीक है। अच्छा, ये चिकन मायो रोल है, इसमें चिकन की बोटी और मायनीज वगैरह होती है, ये 300 के हैं, 12 पीस। अच्छा, इसके अलावा जो हैं ये हैं चिकन 1 बाइट, ठीक है, ये 24 पीस का पैकेट होता है, 200, ठीक है। इसके अलावा बीफ के समोसे हैं, ये 180 रुपीज़ के हैं, 12 पीस, और चिकन की कटलेट्स, ठीक है, ये 300 के हैं, 12 पीस, ये बेसिकली अंडे में डिप होकर फ्राई होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो गोला कबाब है, प्योर चिकन के गोला कबाब होते हैं, ये 270 के होते हैं,
250 ग्राम का मतलब एक पाव का पैकेट, एक पाव का पैकेट तकरीबन 10 पीस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा मैम चिकन के समोसे, हाँ समीर भाई, ये भी 180 रुपीस का पैकेट है, 12 पीस का, ठीक है। ये है मलाई बूटी रोल, ये सबसे हॉट आइटम है, मतलब ज़्यादा चलने वाला है, ये ज़्यादा चलता है जी, ये भी ज़्यादा चलता है। और मैं मज़ीद आगे दूसरी चीज़ आएंगी वो भी बताऊँगा, वो भी ज़्यादा चलती है। ये मलाई बूटी रोल है, इसमें चिकन की बोटी और मलाई बूटी का पूरा मसाला होता है और बहुत बेहतरीन रोल होता है, चटपट और अच्छा रोल होता है, ठीक है। शामी कबाब है बीफ के, ठीक है। तकरीबन इसमें 75% बीफ का रेशा होता है और 95% दाल होती है, प्योर बीफ का ही समझ लें आप इसको। ये है 320 का 12 पीस का पैकेट, ठीक है। अच्छा जी, ये है आपके शाही रोल, इसमें चिकन चीज़ वेजिटेबल होता है और ये 160 रुपीज़ के हैं, 12 पीस छोटे साइज़ के रोल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा चिकन चीज़ रोल है, इसमें प्योर चिकन और चीज़ होती है और लाइट वेजिटेबल होता है। और इसमें कितने पीस होते हैं मैम? ये 12 पीस का पैकेट है और ये है 220। अच्छा, ये हैं हमारे शामी कबाब, ये दाल वाले शामी कबाब, बेसिकली इसमें कीमा दाल दोनों मिक्स होते हैं और लोग ये ज़्यादा लाइक भी करते हैं। ये एग में फ्राई होते हैं, मतलब अंडे के अंदर आप डिप करके फ्राई करेंगे। 12 पीस का पैकेट है 300 का। इसके अलावा बारबी के रोल है, ये हॉट आइटम है, ये भी बहुत ज़्यादा सेल होती है, इसमें चिकन की बोटी, चीज़ का क्यूब और बारबी का मसाला वगैरह, ठीक है। ये 300 के हैं। इसके अलावा ये पिज़्ज़ा पॉप, ये 12 पीस का पैकेट होता है, ये बेसिकली ब्रेड के अंदर बना हुआ था, ऊपर और नीचे ब्रेड होती है और बीच में चिकन का मसाला होता है। अच्छा जी, ये है चिकन के ऑप्शन, हाँ चीज़ रोल होता है, ये 12 पीस का पैकेट है, 120 रुपीस का, ठीक है। इसके अलावा चिकन कौन समोसे हैं, ये 180 के हैं, 6 पीस, इसमें चिकन चीज़ मैक्रोनी और स्वीट कॉर्न होता है, मतलब ये भी चटपट आइटम है, हॉट आइटम बहुत सेल होता है, ठीक है। अच्छा देखें मैम, ये बूंदी का पैकेट होता है, ये 200 ग्राम्स का होता है, 200 ग्राम का होता है, 120 रुपीस का। ये बड़ी बूंदियाँ होती हैं, ये पानी में भिगोई जाती हैं और फिर दही में डाली जाती है। अब इसमें छोटी बूंदियाँ भी आती है, कई पत्ते वाली होती है, ये डायरेक्ट दही में डलती हैं, आप दही तैयार करें और मिक्स करें। अच्छा, ये फूलेंगी नहीं, क्रंची रहेंगी, फूलेंगी नहीं, हाँ क्रंची होगी। अच्छा, इसके अलावा पापड़ी होती है, ये चार वाली पापड़ी, इसके अलावा दूसरी पापड़ी भी आती है हमारे पास, छोटी वाली पापड़ी, वो भी फ़िलहाल मौजूद नहीं हमारे पास, काफ़ी आइटम्स हैं जो अभी फ़िलहाल है नहीं हमारे। रोल की पटरी जो है वो तकरीबन 200 रुपये किलो है, ठीक है, 50 रुपये पाओ 200 रुपये किलो, और समोसे की सेम यही प्राइस है, 50 रुपीस पाओ एंड 200 रुपीस के जी, ठीक है जी। और शॉप की टाइमिंग? शॉप की टाइमिंग मैम सुबह 9 से रात तकरीबन 11 बजे के हैं और रमज़ान में जो होंगे वो सुबह 9 से तकरीबन 1 बजे तक के होंगे। मैं एक और बात थी तो कह दो आपसे कि मैं चाहता तो एसी वाली दुकान बनाता था, थोड़ा सा तो मेरी ये कोशिश होती कि वो जो फालतू पैसे बढ़ते हैं उसमें अपने कस्टमर को कम में दे दूँ ताकि मेरे कस्टमर को फायदा हर आदमी के बजट में आ जाए, गरीब आदमी भी खा सके, अमीर भी खा सके, दरमियान में रोगी। और हम जब आए तो 1970 में यहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ही दुकान खोली थी। और अगर आप सदर की साइड से आते हैं हैदी की तरफ तो डॉलमेन माल के बाद पहला लेफ्ट हैंड साइड पे 10-12 दुकान छोड़ के, और कंफ्यूज नहीं होइएगा, कुछ लोगों ने हमारे साथ देखिए रूदी सब खुदा के हाथ में, ये बाजार है मुस्तफ़ा, खरीदार है खुदा। लेकिन मुझे ये फिक्र होती है कि मेरे माल को समझ के, मेरी दुकान को समझ के ले जाए और फिर वो क्वालिटी ना हो, तो मैं अपनी क्वालिटी के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेस्टी नींबू गौर व फिक्र से देखिएगा, 1970 मेरी तरह ही सब कुछ लिख दिया, स्पेशली सीन जो मैंने लिखा हुआ था कि मैं फ्रोजनों में 50 साल से एक ही पटरी पर चलता रहा, मैंने दूसरे काम नहीं किया कि भाई इस पर फायदा हो रहा है, लालच भी ऊपर चला गया। तो मैं आपको एड्रेस समझा रहा, टेस्टी नींबू पे आइएगा, शॉप नंबर 23 है, अलबुरानी बाग बिल्डिंग है, बरसात हैदरी है और सामने हैदरी मार्केट मदनी मॉल का इलाका लगता है। अगर दूर से मली से डांडी से लोग बहुत आ रहे हैं, कैंट से आ रहे हैं, तो उनको वहाँ से आते तो हैदरी मार्केट के अपोजिट ये पड़ता है और इस तरफ डॉलमेन की साइड पे पड़ता है, और यहाँ पे इस हमारी जो अंदर लाइन है उससे 10 कदम पे हैदरी थाना भी मौजूद है। तो आप प्रॉपर आइएगा, और यहाँ पे चंद लोगों ने भी दुकानें खोली हुई है,
और बिल्कुल सेम हमारी तरह बनाइए कंफ्यूज करने के लिए। टेस्टी नाम तो लिख नहीं सकते, मैं केस कर दूंगा उसमें, लेकिन उन्होंने न्यू टेस्ट पुरानी लिख के और कंफ्यूज करने के लिए सब करा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जरा और फिकर से देख के आइएगा, ये रिक्वेस्ट है आपको। आपको आने का और उसके बाद आपको तसल्ली होगी कि आप कहीं दूर से आए तो आपने गलत फैसला नहीं किया होगा। इंशाल्लाह जब हमारी चीज़ें खाएंगे तो इंशाल्लाह जरूर खुश होंगे आप। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।